हुंडई ने तो काफी डिसअपॉइंट किया है। अब चलते हैं टाटा के पवेलियन में और देखते हैं पे यहाँ पे क्या नया है। तो यहाँ से हम लेते हैं एंट्री हॉल नंबर 14। यहाँ पे भी काफी ज्यादा भीड़ है और मैंने उसमें देखा था यूट्यूब पे कि कुछ चेंजेस किए गए उसमें सफारी और हैरियर में। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, ये एक अच्छी चीज़ है पवेलियन में। और ये इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार, इसको पहले भी आप देख चुके होंगे, हालांकि लॉन्च के बुकी इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं है अभी। लकी टाटा जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अपना फोकस कर रहा है, ये लॉन्च हो भी सकती है एक आध दो साल में। काफी खूबसूरत कार है देखने में। इसको आपको याद होगा कुछ दिनों पहले टाटा ने शोकेस किया था, टाटा अविन्या को। तो इसके बाद यहाँ पे सामने जो दिख रही है वो है टियागो ईवी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टियागो ईवी लॉन्च हो चुकी है, आपने देखा ही होगा इसको। टियागो ईवी, ये भी ईवी है टियागो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें। आपको ब्लैक आउट जो है इसके अलॉय व्हील्स मिलते हैं, छत मिलती है, सब चीज़ें हैं। इधर चल के देखते हैं तो यहाँ पे हैरियर दिख रही है मुझे आगे, और ये हैरियर ईवी है। वाओ, इसका स्ट्रक्चर और शेप हैरियर जैसा ही है, बस इसके अलॉय व्हील्स में चेंजेस आपको बाहर से दिख रहे होंगे, ईवी की बैजिंग दिख रही होगी। पीछे आप इसका ये पीछे हेडलैम्प देखेंगे इसका आप, इसमें हैरियर ईवी की बैजिंग है। नीचे इसका स्किट प्लेट है, उस पर लाइट से पता नहीं, ये मतलब काफ़ी बेकार सा लग रहा है वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से प्रोडक्शन में नहीं आएगा। कनेक्टेड हेडलैम्प भी इसके दिख रहे हैं, ऊपर शाखे एंटीना है, तो ये चीज़ है। और उधर टाटा सियरा ईवी है मेरे ख्याल से, उसको भी हम पहले देख चुके हैं, उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले देख चुके हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है सियरा ईवी के ऊपर। उसके पहले मैं आपको ये हैरियर दिखा देता हूँ, ये हैरियर ईवी फ्रंट से, ये देखिए, ये अभी इसमें काफ़ी कुछ मतलब कॉन्सेप्ट जैसा ही है, लॉन्च पता नहीं कब होगी। और ये देखेंगे आप, ये है ये सियरा ईवी है, पहले भी दिखाई जा चुकी है लेकिन लॉन्च पता नहीं कब होगी। ये भी कॉन्सेप्ट ही है, इसको मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ, इसमें आपको काफ़ी कुछ बढ़िया मिलने वाला है। और गाड़ी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है, इसका साइड प्रोफाइल आप देखेंगे यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया है ये। इधर आप देखेंगे ये है, ये भी एक कॉन्सेप्ट कार है और ये लॉन्च पता नहीं कब होगी। कर्व, इसका नाम है कर्व, और ऐसे लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है कि CIJR, बट ये है कर्व, टाटा कर्व गाड़ी। नेक्सॉन, जैसे नेक्सॉन ने स्टेरॉयड ले लिया है ऐसा लग रहा है मुझे, जिम जाके आई है। शेप इसका कुछ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, जो इसका ओवरऑल डिज़ाइन है वैसा वाला, बाकी तो एलिमेंट्स काफ़ी चेंज है आप देख सकते हैं। तो ये है साइड से, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, आई वॉज रॉन्ग,
ये पीछे से कूपे स्टाइल में है ये, तो आगे से भले ही दिखती हो ये टाटा की बाकी गाड़ियों जैसी, खास करके नेक्सॉन जैसी, लेकिन एक कूपे स्टाइल ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट है कर, और इसके कर इसको भी आप देख चुके हैं मेरे ख्याल से, पहले भी इसको दिखाया जा चुका है। इसके आप पीछे की डिजाइन देखेंगे काफ़ी है, यूनिक सा है ये कर। इसके बाद फिर इधर है पंच, मेरे ख्याल से सी एन जी वाला ऑप्शन दिखाया गया है। ओके, तो ये है पंच आई सी एन जी, अब आप इसको सी एन जी ऑप्शन में भी ले ही सकते हैं, और ये आप देख ही चुके हैं गाड़ी में कुछ खास बदलाव नहीं है, बस केवल सी एन जी का ही एक एडिशन है। अब पीछे से हम देखते हैं इसमें, ये ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ है, तो शायद जो इसके सिलेंडर से उनका साइज छोटा है, उनको नीचे इस तरह से प्लेस किया गया है कि शायद बूट में आपको थोड़ा सा जगह ऊपर से मिलेगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जल्दी ही आपको लॉन्च होती हुई भी दिखेगी, इसमें आप देखेंगे तो नीचे जो है ईवी सिलेंडर दोनों प्लेस है, और उसको जब आप उठाएंगे नीचे उसके सिलेंडर से ऊपर आप प्रॉपरली उसको जो है देख सकते हैं यहाँ। हाँ, इसमें जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है इसमें ट्विन सिलेंडर की वजह से। ये यहाँ पे एक अल्ट्रोज रेसर है ये, चलिए इसको देखते हैं। ये है अल्ट्रोज रेसर, इसमें इंजन में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, आई टर्बो कंपैरिजन में भी काफ़ी तरह अच्छे तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया है। इसमें आपको ब्लैक कलर काफ़ी जगह दिया गया है, और दो जो है वाइट लाइंस भी हैं ऊपर पूरा, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड से ऐसी कुछ दिखती है, ब्लैक आउट ओवर वीएम, और जो है इसका अलॉय व्हील भी है। बट ये सब देने के बाद भी यहाँ फेंडर पे इंडिकेटर देने का कोई मतलब जब नहीं रहा है, इसको यहाँ पे ओआरवीएम पे दिया जा सकता था, लेकिन क्या ही किया जाए। पीछे से भी इसमें कोई और बैजिंग नहीं है, बस काफ़ी स्पोर्टी है इसका जो लुक है, तो ये चीज़ है। ओके, आगे चल के देखते हैं इसमें टाटा में और क्या है। बस मेरे ख्याल से कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं आगे, ट्रक्स और ये पिकअप्स है इधर, बस और कोई कुछ नहीं है। मुझे लगा था कोई पिकअप ट्रक इनका हो सकता है, मतलब लाइफ स्टाइल पिकअप ट्रक, जैसे कि पहले ज़ेनॉन एक्सटी आया करता था, बट वो भी नहीं है। सफारी तो आगे कहीं है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा इन्होंने ऊपर जाने का भी ऑप्शन दिया है, तो उसको भी अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, बट उसके पहले हम सफारी को ढूंढ रहे हैं, सफारी किधर है। ये वैन बसेस, ओके, थोड़ा सा ढूंढना पड़ा मुझे, काफ़ी इधर छुपा के रखा हुआ है। डार्क एडिशन लिखा हुआ, लेकिन थीम जो है पूरी रेड की है, देखते गाड़ी में भी कुछ रेड का इंसर्ट है क्या। ये है हैरियर, डार्क डार्क भी लिखा हुआ है रेड पे। इसमें आपको एडास वगैरह भी मिलने लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बीच बीच में रेड इंसर्ट्स हैं इसमें, थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा भी कर रखा है इन्होंने। ये है सफारी डार्क, ओके, इससे भी आपको एडास देखने को मिलने वाला है। गाड़ी मजबूत तो ही है, और शायद आप एक्सीडेंट से थोड़ा सा बच भी पाएंगे एडास वगैरह की वजह से, टेक्नोलॉजी वगैरह की वजह से आप थोड़ा सा और भी सेफ हो पाएंगे। बट इसमें डार्क की डार्क मतलब रेड का क्या वो है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रेड भी केवल ब्रेक कैलिपर्स दिख रहे हैं, बाकी थोड़ा सा इधर उधर डार्क मतलब रेड है, बाकी तो ये ब्लैक कलर ही मुझे लग रहा है, पता नहीं सही से दिख नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन अब ये लोग डार्क बोल रहे हैं, से नीला लग रहा है, पता नहीं ये तो ये डार्क ही होगा, या हो सकता है कि बाकी कलर ऑप्शन में इन्होंने डार्क ऐसे करके दिया हो। यहाँ देखेंगे आप, ये रेड लिखा हुआ है, रेड में है, ब्रेक कैलिपर्स इसके रेड है अगर आप देख पाएँ तो, और तो कुछ रेड दिख नहीं रहा है, पता नहीं अंदर से सीट्स में भी कुछ रेड इंसर्ट है, ये देखिए
काफ़ी रेड है सर, पूरी सीट ही जो है उसका पूरा हिसाब किताब लाल कलर में ही है, रेड में है, ये है डार्क। ओके तो बस मेरे ख्याल से टाटा का हो गया, इसमें इतना ही कुछ था। और अगेन आई वुड से लाइक कुछ खास नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक है जो भी है, हुंडे से तो बेटर ही था। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है ये कर का है और सियरा इलेक्ट्रिक का ही है, ये दोनों काफ़ी बढ़िया जो है ऑप्शन है। देखते हैं कब लॉन्च होती है। ये रहा टाटा के बारे में।